दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऐलान किया है कि 1984 दे अदालती मामलों के लिए वो एडवोकेट HS फूलका दियां सेवावां लवेगी। दरअसल सुल्तानपुरी कतलेआम मामले दे विच सज्जन कुमार दे बरी होने तो बाद जो किरकिरी हुई है उस तो बाद दिल्ली कमेटी वालों यह फैसला लिया गया। दिल्ली कमेटी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ते जनरल सकत्तर जगदीप सिंह कालू ने कहा कि एडवोकेट फूलका मुढ़ले तौर पर 1984 के दोषियों को सजावं दवाउण दे लई कोर्ट केस वेखदे आ रहे ने, उवें ही इन्हां केसां नूं निष्काम तौर पर वेखदे रहणगे। लोड़ मुताबक दिल्ली कमेटी के लीगल सैल वल्लों फूलका नूं मदद कीती जावेगी। दरअसल 5 अगस्त नूं पुलबंगश कतलेआम मामले दे विच राउज एवेन्यू कोर्ट ने जगदीश टाइटलर नूं जमानत दे दित्ती सी, जिस दे विरोध दे विच दिल्ली कमेटी ने कोर्ट दे बाहर मुजाहरा भी कीता सी। इस तो बाद 20 सितंबर नूं सज्जन कुमार नूं भी सुल्तानपुरी विच 3 सिखां दे कतल करन दे मामले दे विचों बरी कर दिता गया। इन्हां दोहां मामलों करके दिल्ली कमेटी दी काफ़ी किरकिरी हो रही सी। हालांकि दिल्ली कमेटी का यह भी कहना है कि एडवोकेट जसप्रीत सिंह राय, एडवोकेट कामना वोरा अते एडवोकेट गुरबख्श सिंह भी फूलका दे नाल कमेटी नूं सहयोग दिंदे रहणगे। साडे YouTube चैनल नूं सबसक्राइब करो।